कल ये स्वरूप जाने लगा है चंडीगढ़ 29 सेक्टर के साईं बाबा मंदिर में, लेकिन आज आप लोगों के लिए स्पेशली आपको ये दिखाया जाएगा, इसका ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा। तो आनंद की वर्षा बरसने वाली है, सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। तो आनंद ही आनंद, साई का परम आनंद। यह है 3x6 फीट मिक्स मीडियम कैनवस के ऊपर ये 3D स्वरूप बाबा का, ब्लेसिंग्स वाला 3D पेंटिंग्स जो आप सभी साई भक्त बहुत पसंद करते हैं। मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि एक बार अच्छे से ये स्वरूप ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाया जाए, इसकी बैकग्राउंड जो स्टोन्स इफेक्ट इसके अंदर है, जो ये फीलिंग है इसके अंदर। आपको मैं बताना चाहूंगा सभी साई भक्तों को कि ये जो बैकग्राउंड है, जो स्टोन्स हैं, वो बाबा से बहुत आगे हैं, लेकिन 3D इफेक्ट की वजह से आपको ये बाबा आगे नजर आ रहे होंगे। लेकिन मैं टीम से गुजारिश करूंगा कि एक बार अच्छे से जूम भी करके हर तरीके से दिखाया जाए स्वरूप। आनंद ही आनंद, साईं का परम आनंद। आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं आपको ये स्वरूप कैसा लगा। कोई भी साईं भक्त अगर इसका बनवाने का ऑर्डर भी देना चाहे तो हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, उस पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ये स्वरूप जाएगा चंडीगढ़ साईं बाबा मंदिर, जो 29 सेक्टर में स्थित है, बहुत ही मशहूर साईं मंदिर, उसमें द्वारका माई में ये स्वरूप लगने वाला है। कल बाबा चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे तो, और आज ये स्वरूप ग्लोबल लॉन्च किया गया आप सभी साईं भक्तों के लिए। बाबा की प्यार से भरी हुई जो इस स्वरूप में बाबा का जो चेहरा है, बाबा की जो आंखें हैं, वो अपने आप में इतना कुछ बोलती हैं कि जैसे अगर हम दर्शन करके बाबा का मंदिर में, जहाँ ये लगने वाली है द्वारका माई के बाहर, जब दर्शन करके हम निकलेंगे और बाबा का ये स्वरूप हमें देखने को मिलता है, तो ऐसा लगता है बाबा वहीं खड़े अपने सभी बच्चों को दिल खोल कर खुशियों का और सिर्फ खुशियों का आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनका वो स्वरूप, वो झलक, ये वाली जो बाबा की झलक है, वो ऐसी महसूस कराती है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। दो वी आर स्ट्रगलिंग विद आवर ओन प्रॉब्लम्स इनसाइड, बट सच स्वरूप, सच ब्लिसफुल स्वरूप गिव्स अस एन एनर्जी, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फेसिंग आवर प्रॉब्लम्स, एज इफ बाबा इज बिसाइड ऑल ऑफ अस। तो ये जो बाबा का स्वरूप है, अभी तो ये स्वरूप जहां मैं खुद खड़ी हूं मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बाबा साइड से नजर आ रहे हैं, तो ऐसा मैं फील कर रही हूँ कि जो ये स्टोन्स का इफेक्ट है, ये जो साइड में स्टोन्स लगे हैं, ये जो इफेक्ट है, ये आगे है और बाबा पीछे हैं। पर अगर आप सामने से इस पेंटिंग को देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि बाबा आगे हैं और ये जो वॉल का इफेक्ट है, ये जो स्टोन से जो इफेक्ट वॉल को दिया गया है, ओरिजिनल वॉल जो है वैसी लगती है और बाबा आगे खड़े हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत एक कला है जो नवनीत जी ने इन पेंटिंग्स, 3D पेंटिंग्स के जरिए निकाला और हमारे बाबा के स्वरूप को और भी ज्यादा निखारा। क्यों, और एक खास बात इसमें एक और है कि ये जो स्टोन्स लगाए गए हैं इस पेंटिंग में, वो शिरडी की ही भूमि से, शिरडी की ही धरती से, वहीं से ये स्टोन्स मंगाए गए हैं और बाबा के ये पेंटिंग में लगाए जाते हैं। और ये तो 3D पेंटिंग है, और आप में से साईं भक्त जो हमारे व्यूअर्स, हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आपको ये याद होगा 31 दिसंबर को भी जो हमने बाबा की 3D वो सुपर 3D पेंटिंग, HD पेंटिंग, हाइपर 3D पेंटिंग जो लॉन्च की थी, उसमें क्या, उसमें एक इससे भी ज्यादा एक इफेक्ट जो आगे का स्टेप की दिया गया था, कि ये जो बाबा के वस्त्र हैं जो अभी पेंटेड हैं, उन वस्त्रों को भी नवनीत जी ने, जो बाबा का चोला है जो बाबा पहनते हैं वस्त्रों के अंदर, जो बाबा का एक सॉफ्ट सा जो वस्त्र है जो बाबा पहनते हैं सबसे पहले, तो उसी वस्त्र के उपयोग से ये सारे बाबा के वस्त्र बनाए गए। और उससे आप सोच सकते हैं कि वो पेंटिंग
पेंटिंग और भी ज्यादा कितनी खूबसूरत लगती है। ये पेंटिंग भी अपनी जगह पे बहुत सुंदर है। चंडीगढ़ में ये पेंटिंग ही बाबा का यही स्वरूप लगा हुआ था, बट वो इस इफेक्ट के साथ नहीं था। उसमें पीछे भी नवनीत जी ने वॉल को ही पेंट किया हुआ था, पर इस बार मंदिर वालों ने, मंदिर के जो ट्रस्टीज हैं, उन्होंने जब बाबा का ये वाली पेंटिंग्स और ये क्रिएशन नवनीत जी की देखी, तो उनके मन में आया कि अब बाबा को 3D स्वरूप में ही मंदिर में वहां पर लगाया जाए। ये बाबा का ही आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है, और बहुत जल्दी बाबा का ऐसा ही जो हाइपर 3D स्वरूप है वो सिंगापुर के लिए भी बन रहा है, जहां बाबा के वस्त्र भी ओरिजिनल वस्त्रों से, बाबा के वस्त्रों को बनाया गया है, जहां बैकग्राउंड भी आपको 3D मिलती है, जहां स्टोन्स और ये सब इफेक्ट आपको 3D लुक देता है। साथ ही हाइपर इसलिए बिकॉज जो बाबा के वस्त्र हैं, द चोला विच बाबा इज वेयरिंग इज ऑल्सो ऑफ रियल cloth which is worn by Baba under the chola, the heavy chola which Baba is wearing, and the soft white cloth which Baba wears under the cholas. By using those soft cholas, Navneet ji is creating a magic, a miracle with Baba's swaroop. That is why they come up so live and kitne jeevit swaroop hamare Baba ke lagte hain. To ab main नवनीत जी को ही बोलती हूँ, जो क्रिएटर और मेकर हैं बाबा के इतने सुंदर स्वरूप के। आनंद ही आनंद, साईं का परमानंद, साईं भक्त जो जुड़े हुए हैं, पहले तो वीडियो को शेयर कर दें और बताएं कमेंट्स के माध्यम से कि आपको ये स्वरूप ब्लेसिंग्स पोज जो पूरी दुनिया में आज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोज में से एक है, जिसको लगभग लगभग 1200 पेंटिंग्स तो मैं ही इसकी बना चुका हूँ, लाखों इसके प्रिंट्स जा चुके हैं लोगों के घरों में, अनगिनत मंदिरों में, साईं मंदिरों में ये स्वरूप लगा हुआ है, शिरडी प्रसादालय में भी लगा हुआ है ये स्वरूप, लोधी रोड साईं मंदिर में भी लगा हुआ है, लेकिन पहली बार साईं बाबा मंदिर चंडीगढ़ में लगने जा रहा है 3D स्वरूप जो आपके सामने है।